अस्सलामुअलैकुम। हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का और हमारे उलमाए कराम का, जिसने हमने गाइडलाइंस दी और नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त जो दी थी, और उसमें हमने जो गाइडलाइंस दी थी हमें उसका पूरा इंतज़ाम करे हैं। पहले ही एक हफ्ते से पहले हम सैनिटाइज, डिफॉगिंग, मार्किंग, डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का हमें पूरा उसका भरपूर कोशिश की है, और जितने भी हमारे जो वजू खाने हैं और टॉयलेट सब हम बंद रखे हैं। जो भी आता है मुसल्ली हमारे मस्जिद को, वो अपना खुद मुसल्ला या जानी माज खुद लेके आता है और नमाज इधर होती है। और दूसरी बात जो मज़हब की, ये आज जो जुम्मा का दिन है, आज हमारी दो जमातें हुई, 1 बजे और 1:30 बजे जुम्मा की नमाज़ अदा की गई है। हम फिर भी बेहद शुक्रगुजार हैं सरकार की और हमारे उलमाए कराम की। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज का जुमा बड़े इत्मीनान के साथ हुआ, जिसमें पहली जमात 1 बजे पूरे जवाबित के साथ कानून पर अमल करते हुए हुई, और दूसरी जमात 1:30 बजे वो भी अदा की गई। कसरत से लोग आए, मगर इंतज़ामिया कमेटी ने डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए बैठे भी और मस्जिद से निकले भी। जो भी हुकूमत कर्नाटका ने पाबंदियां लगाई थी, शराइत लगाए थे सैनिटाइज वगैरह का, मास्क और दीगर चीज़ों का, वो सारे इंतज़ाम बहुसन खूबी यहाँ पर अमल में आए। हम अपनी जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से हुकूमत कर्नाटका का शुक्रिया अदा करते हैं, और इंशाल्लाह अपनी आवाम से यही उम्मीद रखते हैं कि वो इन्हीं कवायद के साथ, इन्हीं कानून के साथ, पूरी पाबंदी के साथ मस्जिद में आएं और नमाज अदा करके जाएं। ताहा मस्जिद कमेटी से हमें पूरे नमाजियाँ बहुत शुक्रगुजार हैं। इधर मस्जिद के अंदर सैनिटर करे और 2 जमात बनाए, एक फर्स्ट फ्लोर सोशल डिस्टेंस कर 2 जमात बनाए। पहली जमात 1 बजे करे, दूसरी जमात 1:30 बजे हुई। ये कमेटी का, मस्जिद ताहा कमेटी नीलसनरा का तहे दिल से हमें सब शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ गवर्नमेंट जो कानून बनाई थी, गवर्नमेंट कानून ने मस्जिद ताहा कमेटी ने बहुत अमनो अमान से गवर्नमेंट के कानून के तहत दे, ये बहुत इससे करे, हमें इनका तहे दिल से शुक्रगुजार है। हमें सब हमारी सब नमाज हुई आज, इसके वास्ते हम कमेटी का और गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं।